अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब स्वामी सारंग जी से, जो हर मौके पर हमारी कौम के साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं और हर एहतजाज में आके शिरकत करते हैं। आके ज़माना देखे कि वह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी के मज़ार को मुनज़िम कर देते हैं। हमारे यहाँ के एक स्वामी रसूल की बेटी के मज़ार को बनवाने के वास्ते, उसकी तामीर नौ करवाने के वास्ते एहतजाज में शरीक होता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ के ऊपर या हुसैन कहने पर गोली नहीं मारी जाती है, यहाँ पर या हुसैन कहने पर बल्कि सबीले लगाई जाती हैं और लोग दूध के शरबत पिलाते हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब स्वामी सारंग जी से। और मेरे हुसैनी भाइयों, हक परस्तों, इमाम हुसैन के चाहने वालों, सही बात को सही और गलत बात को गलत कहने वालों, आप सबको स्वामी सारंग का आदाब, सलाम अलैकुम और नमस्कार। देखिए, हर कौम को ये हक है, कोई भी कौम हो, कि वो अपने बुज़ुर्गों की जो विरासत है उसको संभाल के रखे। शहजादी के कब्र की, आपके बुज़ुर्गों की कब्रों की जिस तरीके से रख रखाव है उनका, जिस तरीके से उनकी बेअदबी करी गई, मैं स्वामी सारंग उसकी मजम्मत करता हूँ। देखिए, हक की बात करने के लिए वो किसी भी कौम का आदमी हो, एक बात बहुत ज़रूरी है कि उसकी माँ का शरीफ होना। मुझे अपनी बात कहने में इस बात का, मैं उस देश में रहता हूं कि जहां के पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक दूसरे देश में जाके एक मस्जिद को गोद लेते हैं। मैं भारत सरकार से, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, एक अपील करता हूं कि जिस तरीके से दूसरे देश में जाके उस मस्जिद को गोद लिया गया, भारत सरकार अपनी तरफ से पैरोकारी करके इस रोजे को बनाने की पहल क्यों नहीं करती। और इसकी जब भी शुरुआत हो तो उसमें नींव की ईंट रखी जाए, तो मेरी इच्छा है कि उस नींव की ईंट को रखने वाला पहला आदमी मैं खुद हूं। देखिए, जो एतराज है वो भावनाओं से व्यक्त किया जाता है, एतराज दिल से व्यक्त किया जाता है। मैं यहां पे आया तो मैंने काले रंग की शॉल डाल रखी है, पर शॉल के ऊपर भी राम लिखा हुआ है, शॉल के ऊपर भी राम लिखा हुआ है। मैं अपने, जो मेरा वजूद है, उस वजूद से मैं इस बात का विरोध करता हूँ, मैं उस देश का विरोध करता हूँ जहाँ पे पीठ के निशान देख के लोगों को वीज़ा नहीं दिया जाता है। कहने को बहुत कुछ है, आप क्या सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब अपनी बात कह चुके, मैं सिर्फ अपना एतराज़ व्यक्त करता हूँ। और मेरी इच्छा है कि वो रोज़ा बने, हमारी आपकी नस्लें देखें और उसके बनने की शुरुआत हमारे आपके सामने हो, और उसमें मुकम्मल जो पहली ईंट पड़े उसमें मैं अपनी तरफ से जाके खुद लगा के आऊं।